हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर तुमने बचपन में कुंफू हसल मूवी देखी होगी तो तुम इस इंसान को तो जानते ही होगे, स्टीफन चाओ, या बोले तो चाओ। तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे एंड ये भी जानेंगे कि क्या कुंफू हसल का पार्ट टू कभी आएगा भी या नहीं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टीफन चाओ हमारी पड़ोसी कंट्री चाइना के सिटीजन है। मजाक से हटके स्टीफन चाओ एक लेजेंडरी डायरेक्टर हैं, वो एक लेजेंडरी राइटर है एंड हाँ, वो एक लेजेंडरी एक्टर भी हैं। स्टीफन चाओ ने फिल्मों में डेब्यू किया था द फाइनल जस्टिस मूवी से, जो कि 1988 में आई थी एंड उस फिल्म में उनको एक साइड रोल मिला था। इसके बाद करीब करीब उन्होंने 40 मूवियों में अपना अपीयरेंस दिया था, बट उनको कुछ ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला। बट जैसे कि मैंने कहा, वो एक लेजेंड है, तो उन्होंने राइटिंग एंड डायरेक्शन में भी अपना डेब्यू कर दिया, जहां उनकी इन चार मूवीज ने उनको चाइना में वो रिकॉग्नाइजेशन दिला दिया जो वो डिजर्व करते थे। उन्हें एक फिनोमिनल सक्सेस मिल गई थी, बट तभी भी इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन अभी भी बाकी थी, जो उन्हें मिली 2001 में उनके द्वारा लिखी और डायरेक्टेड की मूवी शाओलिन सॉकर से। एंड ये इंटरनेशनली बहुत फेमस हुई फिल्म एंड इससे स्टीफन चाओ भी इंटरनेशनली बहुत ज्यादा फेमस हो गए। इसके बाद साल आया 2004, जहां हमें सिनेमा इतिहास की वन ऑफ द बेस्ट कल्ट क्लासिक मूवी देखने को मिली, कुंफू हसल। एंड अगर मैं तुम्हें स्टीफन चाओ की मूवी मेकिंग तकनीक बताऊं, तो उनकी मूवीज में तुम्हें देखने को मिलेगा VFX, कॉमेडी, स्टोरी, चाइनीज कल्चर, मार्शल आर्ट एंड इन सारी चीजों से ही कुंफू हसल मूवी भी बनी थी। एंड ये फिल्म कितनी ज्यादा सक्सेसफुल हुई थी ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे। इसके बाद बात करें कुंफू हसल मूवी की, तो ये मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे बहुत पसंद है मूवी। इस मूवी की राइटिंग एक नंबर थी, जहां में एक एक करके कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं कि भाई इसको भी कुंफू आता है, भाई इसको भी आता है। एंड जो फिल्म का मेन विलन रहता है वो इतनी लेट में इंट्रोड्यूस होता है, बट फिल्म की राइटिंग इतनी स्ट्रांग थी कि विलन का जोर लास्ट में भी पता चलता है। इसके बाद 2008 में एज ए एक्टर स्टीफन चाओ की एक आखिरी मूवी आई CJ7, जो कि काफी अच्छी मूवी थी। एंड के बाद स्टीफन चाओ ने एज ए एक्टर रिटायरमेंट ले ली, बट एज ए डायरेक्टर और राइटर उनकी 2013 में एक और कमाल की मूवी आई, जर्नी टू द वेस्ट कॉन्करिंग द डीमंस, जो कि बहुत ही कमाल की मूवी थी। एंड इस मूवी को बनाने का तरीका भी कुंफू हसल जैसा ही था, जहां धीरे धीरे करके कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहे थे और जो फिल्म का मेन विलन था वो भी लास्ट में ही आता है। इसके बाद 2016 में आती है स्टीफन चाओ की एक और मूवी मरमेड, जिस मूवी ने छप्पड़ फाड़ के कमाई की थी। हाँ, इसकी स्टोरी थोड़ी वीक थी, बट इसकी कॉमेडी भाई एक नंबर थी। इसके बाद 2019 में उनकी लास्ट मूवी आई थी, जो कि थी किंग ऑफ कॉमेडी का दूसरा पार्ट, या बोले तो स्पिन ऑफ। बट ये मूवी उतना कुछ कमाल नहीं कर पाई, ना ही बॉक्स ऑफिस में और ना ही ये ज्यादा फेमस हो पाई। उसके बाद तो 2020 में कोरोना पैंडेमिक आ गया था एंड अब 4-5 साल बीत गए हैं और उनकी किसी भी मूवी का नामो निशान नहीं है। तो स्टीफन चाओ अभी क्या कर रहे हैं? तो अगर हम उनका इंस्टाग्राम हैंडल देखें तो वहां से पता चलता है कि वो अपनी कला को और लोगों को सिखा रहे हैं, वो अपना टैलेंट बांट रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है एंड इसलिए वो लेजेंड कहलाते हैं। बाकी बात करें कि क्या कुंफू हसल का पार्ट 2 कभी आएगा या नहीं, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो अब की कॉमेडी और तब की कॉमेडी में बहुत अंतर आ चुका है, ऊपर से अब तो स्टीफन चाओ एक्टिंग भी नहीं करते हैं। एंड हाँ, वो अभी भी एक्टर और डायरेक्टर हैं, तो वो अदर कास्ट के साथ इसका पार्ट 2 जरूर ला सकते हैं, बट वो कभी नहीं चाहेंगे कि इसका हाल भी किंग ऑफ कॉमेडी के पार्ट 2 की तरह हो एंड इस मूवी की इतनी खतरनाक लेगेसी टूटे, इसलिए इस मूवी का पार्ट 2 आना इम्पॉसिबल है। बाकी उनकी नई मूवी का तो हमेशा इंतजार रहेगा ही। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही एंड तुम बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। अगर तुम्हारा मन हो तो मुझे इंस्टाग्राम में भी तुम फॉलो कर सकते हो। बाकी तुम अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुम्हें यहाँ ऐसी कंटेंट देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मूवी तेरा।